सो यस, आफ्टर 2 मंथ्स आज मैं अपनी टोयोटा यारिस GLI 1.3 को मॉडिफाई करवाऊंगा और आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने किस किस तरह कौन कौन सा पॉइंट चला। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस दिन मैंने ली थी उससे अगले दिन ही मैंने इसके अलॉय रिम चेंज करवा लिए थे। इसकी बैक लाइट्स आप देख सकते हैं चेंज लग रही हैं, लेकिन इनकी जो सिल्वर कोट थी ना, मैंने वो चेंज करके उसके ऊपर रेड टेप लगवा दी थी प्लेन। आई हैव ऑर्डर बॉडी किट पूरी फैब्रिक की, और इसके अलावा स्पॉयलर मैंने ऑर्डर किया था। इसकी फिटिंग करवाने हैं मैंने यहीं से पहले, इसका पूरी फैब्रिक की जब किट आई थी उसके पहले पूरा पेंट खुद करवाना पड़ता है, प्री पेंटेड नहीं होती, तो पहले मैं उसका पेंट करवाया, फिर मैं यहाँ डेंटर के पास ले आया फिटिंग के लिए। एक भाई वाला वर्षा देना ज़रूरी है यहाँ पे। फ्रंट बम्पर लगवा रहे हो, बैक बम्पर लगवा रहे हो, साइड स्ट्रिप्स लगवा रहे हो या स्पॉयलर लगवा रहे हो, कुछ भी लगवा रहे हो, डायरेक्ट आप लोगों ने बॉडी के अंदर पेच लगवाने के लिए होल नहीं करवाना, क्लियर। ऐसे पॉइंट्स पे होल करवाएंगे जहाँ पे आपकी गाड़ी की बॉडी को इशू ना हो, कल को रीसेल के टाइम पे कोई भी चीज़ प्रोमिनेंट ना हो आपकी गाड़ी की। जब साइड स्ट्रिप्स लगवा रहे होंगे तो इसके अंदर भी 4 उन्होंने मुझे कहा था कि स्क्रूज लगेंगे, लेकिन मैंने डबल टेप लेके, वो एक नॉर्मल होती है और एक अच्छी होती है ग्रीन कलर की, वो अच्छी वाली पूरी पहले लगती है फिर उसके बाद फिटिंग होती है। स्पॉयलर के अंदर भी सेम मैंने वही किया, साइड स्ट्रिप्स के अंदर भी और बैक बम्पर के अंदर भी, इन तीनों के अंदर मैंने डबल टेप लगवा के फिटिंग करवाई है। सो द वेट इज़ फाइनली ओवर। मैंने बहुत छोटी सी वीडियो बनाई आप लोगों को आगाही देने के लिए, लेकिन आई एम फुली सेटिस्फाइड विद दिस मॉडिफिकेशन ऑफ माई कार। इफ़ यू हैव एनी सजेशन ओपिनियन फील फ्री टू कमेंट। थैंक यू सो मच। इफ़ यू वॉन्ट टू ऑर्डर एनी थिंग, मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ, इनसे रब्ता कर लीजिएगा, बहुत अच्छी सर्विसेज देते हैं माशाल्लाह। I am fully satisfied. Jazakallah. Thank you.